आप बंद कर दें प्लीज। जरा हट जाओ, वो दे दे उसे एरेक्टो एक ऐसे आप वो चेक पे बैठ जाओ। नहीं नहीं हाँ ए नास आज ये मेरी अपनी जगह थी। क्या करने जा रहे क्या नहीं गुलबर्ग से इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि वी विल नॉट बी गिविंग एनी बाइट सिग्नल टेक देन कवर प्रेस प्रेयर वरना आई विल बी आंसरेबल टू अस्मा दादी प्लीज नहीं से लेने बोलिए। नहीं करना चाहिए फोटो ले रहे बाद में लोग नहीं आप जो भी बात करेंगे यही से बात करेंगे। बैठो बात बोलेंगे मिसाल बस बोल दो। हाँ नहीं रोक लेते हैं आप बैठो डॉक्टर आसिफ आने सर और इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड वुमेन्स विंग कोऑर्डिनेटर बैंगलोर करना। आज जो प्रेस मीट हम लोग बुलाए हैं ये ट्रिपल तलाक ऑर्डिनेंस जो जल्दबाजी में पास किया गया है इसके बारे में ये बताने के लिए कि हम मुसलमान खवातीन इसके खिलाफ हैं। सही बात में देखा जाए तो ये जो बिल फॉर्म की गई थी ये बिल पूरी तरीके से डिफेक्टिव है। जो सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त में इसको नल कर दिया था ट्रिपल तलाक को बावजूद इसके ये बिल लोकसभा से पास करा दी गई और फिर जब राज्यसभा पहुंची तो वहां पर बहुत ज़बरदस्त अपोजिशन इन्होंने फेस किया। अब एक चोर दरवाजे से ये गवर्नमेंट ने सडनली सेप्टेम्बर 19 को एक ऑर्डिनेंस ऐसा पास कर दिया गोया कि कोई इमरजेंसी आ गई है। हम तमाम वुमेन्स विंग की तरफ से कहना चाहती हैं कि ट्रिपल तलाक कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है जिसे इतना बड़ा करके इतना मैग्नीफाइड करके आज बताया जा रहा है। सबसे पहली चीज़ तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जब से बना है जब से हमारे आज़ादी मिली है तब से हम लोग हमारे अपने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमको राइट मिला है हमारे अपने पर्सनल लॉस हमारे अपने रिलीजन में हम फॉलो कर रहे हैं जो कि निकाह है तलाक है इनहेरिटेंस है। एक तलाक का ही ऐसा मामला है जिसे ये गवर्नमेंट एक मुद्दा बनाकर हमारी शरीयत में मुदाखलत करने की कोशिश कर रही है। हम लोग नहीं चाहते कि शरीयत हमारे शरी कानून में किसी भी तरह की दखल अंदाजी करे। हम मुसलमान इस बारे में बहुत ही क्लियरली अपने सिग्नेचर कैंपेन के ज़रिए से और पूरे 200 करीब रैलीज के तरह से हम लोगों ने अपने साइलेंट प्रोटेस्ट से इस खुल के गवर्नमेंट को बता दिया कि हमको शरिया में मुदाखलत नहीं चाहिए। हमारी शरीयत हमारे लिए हमारी जान से प्यारी है। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा जो हक है ये हक को छीनने का इस हुकूमत के पास कोई भी राइट नहीं है। अब देखा जाए तो ये एक ही मसला नहीं है
जिस पे इतनी हमदर्दी जताई जाए, रेप आए दिन हो रहे हैं, आए दिन मर्डर हो रहे हैं, फार्मर सुसाइड कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी गिर रही है, मगर फिर भी इस गवर्नमेंट का पूरा तवज्जा इसी पर है कि ट्रिपल तलाक को किस तरह से बैन किया जाए। अगर कोई सवाल हो तो पूछ सकते। अकॉर्डिंग टू सचर कमेटी रिपोर्ट, अकॉर्डिंग टू सचर कमेटी रिपोर्ट जब आई थी तो उन्होंने कहा था मुस्लिम के लिए कुछ मुझे अच्छा करना, इसलिए उन्होंने एक रिपोर्ट मंगवाया। उसमें हेल्थ एंड एजुकेशन में हम बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए थे। इन्होंने ना हेल्थ पे कुछ किया ना एजुकेशन पे कुछ किया, उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया जिससे हम मुसलमान फीमेल को स्पेशली जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। वो कह रहे हैं कि मुस्लिम फीमेल के हित में है। मैं ये पूछ रही हूँ या कहना चाह रही हूँ अपनी सारी मुस्लिम बहनों की तरफ से कि ये जो ट्रिपल तलाक है, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक है, हम ऐसे आदमी के साथ कैसे रहना पसंद करेंगे जो हमें अपने साथ रखना नहीं चाहता है? ये हमारी रिस्पेक्ट नहीं है कि हम जबरदस्ती उनके साथ बंद के रहे। ये तो हमारी एक आज़ादी थी कि हमें एक नई जिंदगी शुरुआत करने के लिए वो एक बार में अपना काम कर लेते थे। मगर अब जो ये इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के नाम पे इन्होंने एक ऑर्डिनेंस जो पास किया है, ये वो तमाम 2 करोड़ बहनों की रोड पे आकर के उन्होंने साफ साफ इनकार किया कि मुझे नहीं चाहिए। उन्होंने सिग्नेचर कैंपेन किया, उन्होंने रोड पे आके कहा मुझे नहीं चाहिए। मगर ये सरासरी कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे राइट्स के विरोध हो करके एक इमरजेंसी में इस तरह का कानून लाना, ये साफ साफ शो कर रहा है कि गवर्नमेंट को हमसे कोई मतलब नहीं है, उन्हें कोई राइट्स से कोई मतलब नहीं है। हमारा जो हमें जो राइट्स मिला उसे क्या उनको फर्क पड़ता, बस उन्हें चाहिए वोट्स, जिसके लिए वो 2019 के इलेक्शन के लिए वो पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। और हम लोग इस तरह के कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं और सारे हिंदू मुस्लिम बढ़ जाए और सारे हिंदू के वोट्स उनको जाए और मुस्लिम वोट्स बिगड़ जाए। ये सारी सारी एक स्ट्रेटेजी है जो RSS की तरफ से है और RSS के चुनिंदा है मोदी सरकार। जी मैं महसूबी नाज, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, बिहार कोऑर्डिनेटर। तस्लीम फरजाना, ಇದು ಸರ್ಕಾರವು ಅತಿ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರಿಪಲ್ ತಲಾಖ್ ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಖ್ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಇದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರ ಹಿತಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇದು ಇದರಿಂದ ಏನು ಹಿತವಾಗಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, ವಿನಃ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಗಂಡಸು 3 ವರ್ಷ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಆ ಹೆಂಗಸ ಅವನ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬವು ಅದಕ್ಕೆ ಸುಶೋಭಿತವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಈ ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಖಿನ ಏನು ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ತಂದಿದೆಯೋ ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಖಿನ ಈ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳಿವೆ, ಬೇಕಾದಂತಹ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ರೇಪ್ ಕೇಸಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದ ಅವಿಜ್ಞಾನ ಇದೆ. ಅದರ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡುವುದು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಭಾರತದ ಸರ್ಕಾರವು ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಖೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಏನೋ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಹುಬೇಗವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅದು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರು ಶರಿಯತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಬೇರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುವುದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇಸ್ಲಾಂ ಏನಿದೆ ಅದರ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಬರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೌದು, ನಾವು ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಖ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಖ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ನಾವು. ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಏನು ಶರಿಯತ್ ಇದೆ, ಶರಿಯತ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾನೂನು, ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಕಾನೂನು ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಧ್ಯ ಬಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಫೇರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ 14,000 ವರ್ಷದಿಂದ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಈಗ 4 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಬಂತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ? 4 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇವರು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಾಡಿ ಅದು ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನು ತಿಳಿಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 2019 ಅದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಹಿತೈಷಿಯರು
ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಓಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಭಾರತವು ಒಂದು ಪ್ರಜಾತಂತ್ರ ದೇಶ, ನಮಗೆ ಆ ಥರ ಜೀವನ ಮಾಡಲು ಬಿಡಿ. ನೀವು ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಅದರ ಇದು ಕೊಡುವುದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. जी ये जो ऑर्डिनेंस पास हुआ है उसमें सबसे पहले हमला जो होता है तो शोहर पर होता है, शोहर घर का सरबरा होता है, तो शोहर के सर कुचलने से क्या होता है, सारा खानदान उसका असर उसकी बीवी पर होता है, बाद से उसके बच्चों पर होता है, तो ये खानदान धीरे 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 सारे खानदान ख़त्म हो जाएगा, बचते बच्चे भी रस्ते के हो जाएंगे, तो धीरे धीरे ये सारा खानदान हमारे ख़त्म होने की सूची समझी चाल है ये, तो इसे कामयाब हमें बिल्कुल नहीं होने देना है, क्योंकि हम अपनी सरबरा की इज्जत करते हैं, शोहर का हुकूक जानते हैं, बीवी का हुकूक है, सारे हम सारे मिलजुल के निगाहें तो एक अच्छा खानदान बन सकता है. उसे सरबरा को ही अगर कुचल दिया जाए तो आगे हमें धीरे धीरे बहुत सारे नुकसान का आएंगे जिंदगी में, सबको सामना करना पड़ेगा. एक बाइट उनसे ले इंटरफेरेंस नहीं होना है, बोल दीजिए आप, इतना ही बोलिए बस, उर्दू में बोले, उर्दू में ट्रिपल तलाक जो ऑर्डिनेंस पास हुआ है, हम मुसलमान औरतों की तरफ से हम यही कहना चाहेंगे कि जो शरीयत में मदाखलत हो रही है हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, और ट्रिपल तलाक को लेके या किसी भी तरीके की तलाक को लेके शरीयत में इसका सलूशन मौजूद है, तो जिस चीज़ के लिए ये चीज़ लाई जा रही है हम उसके बेहद खिलाफ है और इसको कभी भी मान्यता नहीं दी जाएगी. तस्नीम शाहजहान, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, बैंगलोर. बोर्ड से नहीं है हम लोग, उर्दू में ही बोलो. अब हमारे हमारी सब बहनों ने जो है ट्रिपल तलाक के बारे में बात की, मैं बस हुकूमत से यही कहना चाहती हूँ कि दूसरे जो मसाइल हैं उन मसाइल पर तवज्जो कीजिए, जैसे कि तालीम कम है मुसलमानों में, और जो है गुर्बत है, और दूसरे कौमों में भी जो है इसी तरह से बहुत सारे मसाइल हैं, और इकोनॉमिक जो है ये बहुत ही लो हो रहा है हमारा, तो इस पर ध्यान दीजिए, ना कि हम मुसलमान बहनों की हमदर्दी करने की उनको कोई ज़रूरत नहीं है, हम खुश हैं अपनी शरीयत में और हम खुश हैं अपने घरों में, और हमें जो है एक थर्ड पर्सन आके कानून सिखाने की ज़रूरत नहीं है. शुक्रिया. चले गए प्रेस प्रेस अभी पिए हो. Thank you.